शुरू किया कि सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे आप चतुर्भुज का नियम। तो सदिशों को जोड़ना है हमें, ठीक है भाई साहब। तो जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो कहां इसका नियम लिखा जाता है कि जब कोई, लिख सकते हैं थोड़ा सा भाषा लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो भाषा में लिखने के लिए कह रहा है भाई साहब, तो लिखेंगे आप कि जब किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न, संलग्न मतलब आपस में जुड़े हुए, संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं तो उनका परिणामी मतलब रिजल्ट, उनके विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप लोग देख चुके होंगे। अब आप दूसरी चीज देखिए, आवाज आ रही है ना आप लोगों को, बीच बीच में हाँ ना कर दिया कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, हम पहला देखिए प्रूफ हम करने जा रहे हैं। अब प्रूफ जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ PROOF, प्रूफ प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया क्या, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर ये बी है। अब देखिए दोनों आपस में जुड़े हैं, संलग्न मतलब आपस में जुड़े हैं, ठीक है, संलग्न मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनके बीच का कोण कितना है, इनके बीच का कोण कितना है, तो आप कहेंगे कुछ होगा थीटा होगा ना भाई साहब, क्यों थीटा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को फिर से डॉटेड लाइन बना करके इसे बढ़ा देते हैं। हमने डॉटेड लाइन ये बनाया इसका, और इसी के समांतर डॉटेड लाइन बनाया, ये ए के समांतर है, ये दूसरा वाला देखिए बी के समांतर है, ठीक है भाई। तो इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। तो ये मिलाकर के हमने क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब जब समांतर चतुर्भुज बना दिया तो थोड़ा सा सुंदर सा बनाना जरूरी था ना, तो हम इसे थोड़ा सा और साफ सुथरा बना ले तो अच्छी बात रहेगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दिया हमने, और ये थोड़ा तिरछा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमने इसका नाम रख दिया ओ पी क्यू और आर, ये नाम रख दिया। अब आर तो रखे ना, आर बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि आर से हमारा रिजल्टेंट आएगा, ओ पी क्यू और टी या कुछ भी ऐसे नाम रख दीजिए। अब एक काम कर दीजिए, इसको एक देखिए, इसका ये जो विकर्ण होगा वो किससे डिनोट किया जाएगा, ओ क्यू से डिनोट किया जाएगा, देखिए वी। अब इस पर एक लंब डालते हैं, पहला नंबर एक लंब डालते हैं, दोनों लाइन से यहां से लंब डाल दिया, ये बिंदु कौन सा हो गया, ई हो गया। तो यह कोण भी थीटा होगा और यह कोण भी थीटा होगा कि नहीं होगा, दोनों कोण थीटा होंगे कि नहीं होंगे, क्यों भाई आवाज आ रही है? यस सर। तो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये बी है और ये क्या है, हमारा ए है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा भी बी होगा कि नहीं होगा, ये भी बी होगा। तो अब जरा देखिए हम बात करते हैं, हम ये जो त्रिभुज, त्रिभुज किसमें आते हैं, त्रिभुज टी क्यू ई में आइए, टी क्यू ई में आते हैं। तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है हमेशा, ठीक है भाई साहब, इतना पता होगा आप लोगों को, टेंथ से पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग बहुत बुद्धिमान है, टेंथ से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि टी क्यू ई बराबर कितना होगा, हमारा थीटा होगा, होगा ना, और टी क्यू ई त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें थीटा के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा।
अब हम इसमें साइन थीटा निकालिए, जरा इसमें साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों को पता है भाई, जल्दी बताओ, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है तो कहोगे क्यू ई, और कर्ण कौन सा है तो कहोगे टी क्यू। टी क्यू होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको? तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, जरा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि किसकी वैल्यू पता है, टी क्यू की वैल्यू पता है, तो देखिए क्यू ई बटे बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। या हम क्यू ई की वैल्यू निकालें तो क्यू ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहोगे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। यहां तक आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है, बताइए। Yes, sir. समझ में आया इतना? ठीक है भाई, ये आपको नोट yes, करके रख लेना अभी तुरंत, इसे अपनी अभी मतलब चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब देखिए इसी त्रिभुज टी क्यू ई में कॉस थीटा भी निकालनी है। टी क्यू ई में कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा कैसे निकले, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये देखिए कर्ण है, ये आधार है। ठीक है भाई, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे टी टी ई और बटे कितना टी क्यू। अब देखिए टी क्यू की वैल्यू आपको अभी भी पता है कितना, बी, तो टी ई बराबर कितना हो जाएगा, टी ई बराबर कितना हो जाएगा, टी ई बराबर हो जाएगा हमारा टी क्यू और कितना कॉस थीटा। टी क्यू के बराबर कितना होगा, बी और कॉस थीटा। टी ई बराबर कितना आ गया, टी ई बराबर कितना आ गया, टी ई बराबर बी कॉस थीटा। इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग, देखिए समझ में आएगा। ठीक है भाई, अब ये दो चीजें आपको मिल गया, क्यू ई और टी ई, दो चीजें मिल गई, इनका यूज होगा हमारा अगले टॉपिक में। तो अब जरा देखते हैं, एक त्रिभुज हमारे पास है ओ क्यू ई, ये पूरा है कि नहीं, एक समकोण त्रिभुज है, क्यों भाई समकोण त्रिभुज है? यस सर। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, होगा कि नहीं होगा? तो जरा नाम बताइए, yes, कर्ण का नाम क्या है, जरा देखिए OQ, क्या नाम है, OQ का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग का स्क्वायर। फिर वापस चलिए, देखिए लंब का वर्ग, लंब मतलब QE, तो बराबर QE का स्क्वायर, QE का स्क्वायर। फिर वापस चलिए, देखिए आधार का कौन सा है, OE का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा आधार? ठीक है, देखिए आधार QE था पहले, देखिए QE था, ये देखिए QE था और प्लस OE का स्क्वायर, हो गया भाई? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है भाई, अब OQ का मान जरा देखिए कितना लिखेंगे, जरा ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर OQ हमारा क्या है, OQ हमारा परिणामी है, R है, ये क्या है, R है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा OQ हमारा क्या है, R है, तो OQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, R का स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो QE, QE कहाँ दिख रहा है, ये देखिए QE यही तो है, यही है ना, और QE का मान yes, कितना है, जरा देखिए यहाँ नीचे देखिए, QE बराबर B sin थीटा लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, sir, लिखा है। रख दे, रख दीजिए यहाँ पर, तो रख दीजिए B sin थीटा का स्क्वायर, अब प्लस देखिए OE, OE का मान हमें कहीं दिया नहीं है, तो OE बराबर दो भागों में टूटा हुआ है, देखो एक तो O से लेकर T तक और T से लेकर के E तक, लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं OT प्लस TE, लिख दीजिए यहाँ पर OT प्लस TE का स्क्वायर। अब देखिए इसका पहले स्क्वायर बना करके निकाल लीजिए इसे, तो देखिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर cos, वो B cos, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos था sin था, R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और प्लस देखिए लिखिए OT का स्क्वायर प्लस TE का स्क्वायर प्लस 2OT इनटू T, होगा कि नहीं? अब चलिए सबका वैल्यू रखते हैं, देखते हैं, तो R स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस OT का मान जरा देखिए कितना है, O से लेकर के T तक का, O से लेकर T तक का मान है A। ठीक है भाई,
तो कितना रखा ए स्क्वायर, देखिए टी ई की वैल्यू कितनी है, देखिए टी बराबर देखिए यहाँ दिया हुआ, ये देखिए ये दिया हुआ कितना है बी कॉस थीटा, कितना होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस देखिए टू ओ टी का मान कितना ए और टी का मान कितना बी कॉस थीटा, आया समझ में, यहां तक आया समझ में कि नहीं आया, बताइए भाई सर ये वाली लाइन फिर से समझा दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आई। कौन सा यही लास्ट वाला ये? यस सर यस सर। देखिए ओ टी का मान देखिए ओ टी यहाँ देखिए पीछे आइए, ओ टी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए ही तो है, और देखिए टी से ई तक का मान कितना आएगा, देखिए टी का मान यहाँ निकाल रखा है देखो, तो देखिए ओ टी और टी का गुणा करेंगे तो ए इंटू कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ ए बी कॉस थीटा है, यही तो है। Yes, आया समझ में, ठीक है भाई। Yes, अब अगले पेज पर चलते हैं, देखिए बी स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे और ए को पहले लिख लेंगे, तो चलिए लिखते हैं देखते हैं, तो कितना आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही तो था। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा आर स्क्वायर आया, और ये देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है वन। यस सर ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये या आर आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया परिणामी, जो आर का मान निकालना था, अगर हमको ए और बी का मान ज्ञात हो थीटा का मान ज्ञात हो तो हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं? यस सर आगे सर। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ग्रुप में आपके नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है भाई। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप चाहे तो जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया उन बच्चों को बता सकते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो अपना देख सकते हैं, ठीक है ओके। चलिए लेफ्ट, थैंक यू सर, लेफ्ट लेफ्ट कीजिए।